एक आपसे एक से आपसे रिक्वेस्ट है जी, बोलिए जी। एक ना जैसे अपने ये पुराने नियम में एक श्रेष्ठ की इसका जो किताब है जी, ये लेके ना मतलब इसकी जल्दी कोई टीचिंग देता नहीं है, कृपा आप इसके एक बार इसके आप ना एक बार इसको जरूर एक बार टीचिंग दीजिए आप इसे जी, क्योंकि ये किताब पढ़ने में बहुत अजीब सी लगती है और इसी को लेकर ना अविश्वासी लोग मतलब मसीहों पे सवाल बहुत उठाते हैं, कहते हैं आपकी देखो इसमें कितना गंद लिखा हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं इसमें बहुत जैसे मतलब शारीरिक तौर पे मतलब वो लोग समझ लेते हैं तो और परमेश्वर के बारे में है। जी 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 देखिए आप एक बार जरूर इसकी टीचिंग दीजिए, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आपने पब्लिकली पूछ लिया है तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। देखिए लेखक कौन है, अय्यूब की पुस्तक जी मैं आ रहा हूं, अय्यूब की पुस्तक का लेखक कौन है, अय्यूब, अय्यूब की पुस्तक में तीन दोस्त हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जब इसको पता चला किसको, अय्यूब श्रेष्ठ की श्रेष्ठ की। अरे मेरे भाई मैं को पता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जी जी जी, जी मैं अय्यूब का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ओके जरा सुनते जाइए, इसलिए माइक बंद कर देता हूं, सुनिए। साथ ही साथ में आपका जो सैमुएल की मायना हन्ना, जब उसको एली ने कहा कि तेरे पेट में बच्चा होगा और तुझे जो है ना परमेश्वर का ओर से ये आशीष है, तू पुत्र को जन्म देगी, ये जैसे सुना उसने अपनी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और ऐसी प्रार्थना है जो अभी बिब्लिकल साउंड नहीं करती, मैच नहीं करती, परमेश्वर अंधा बनाता है, परमेश्वर आंख देता है, परमेश्वर मारता है, परमेश्वर जिलाता है, मैच नहीं करती कुछ कुछ बातें, तो जिसके चलते अब हन्ना की प्रार्थना, अय्यूब के तीन दोस्तों की लिस्ट और सुलेमान की बहुत सारी बातें, तो पढ़ते वक्त में भाई साहब मेरे साथ बने रहें, पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज है। अब श्रेष्ठ गीत की बात आपने कर दी, तो जो लेखक है श्रेष्ठ गीत का उसने अपने उस वक्त के हिसाब से लिखा। क्या करूं क्योंकि मेरे को आपको जवाब भी देना है, एक एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं भाई साहब, दे सकता हूं, कितने दर्शक है अभी, कितने दर्शक, 1700 लोग अभी, जो 1700 लोग लाइव देख रहे हैं आपको बताता चलो भाई साहब, एक शब्द चलता है यूएसए में और वही शब्द अभी भारत में भी चलने लगा है, और वो शब्द है घे, आपने सुना है सर, हाँ जी हाँ, तो घे का मतलब क्या है सर, नपुंसक, ओके, दूसरा ये शब्द अच्छा है, नहीं ये शब्द अच्छा है क्या, नहीं नहीं, आप किसी को कहो ए तू घे, उसको गुस्सा आएगा, आएगा आएगा, लेकिन आपको पता है आज से 200-300 साल पहले यह शब्द घे बुरा नहीं था, जानते हो क्यों, घे का मतलब है खूबसूरत, घे का मतलब है ब्यूटीफुल, आज से 200-300 साल पहले यह घे शब्द ऐसा था उसका मतलब, ओके, तो जो लेखक है ना श्रेष्ठ गीत जब तब लिख रहा था ना सर, जो उसने अपनी भाषा में लिखा इब्रानी उसको ट्रांसलेट करके अभी हमारे पास पहुंचा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें जो उस वक्त में ठीक थी लेकिन आजकल नहीं है, ओके, तो उसका क्या करें, उसको तो लेके चलना पड़ेगा ना, जिसको टिप्पणी करना होता है ना सर, उसको भूरा सफेद नहीं दिखता है, उसको सफेद में जो छोटा सा दाग दिखता है ना वो उसको लेके बात करता है, बाकी सफेद नहीं दिखता उसको, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते जी। चलिए प्रभु आपको आशीष।